नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी जो चल रहा है यह रेशियो प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 7 हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें अनुपाति विभाजन पर आधारित प्रश्न रहेगा। अनुपाति विभाजन मतलब कोई एक अमाउंट दिया रहेगा, उसको अनुपात में विभाजन क्या हो रहेगा, डिवाइड क्या हो रहेगा दो तीन आदमियों में, अब किसको कितना मिला, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन है कि एस एम और टी तीन आदमी है, एस एम और टी को 2400 रुपया 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, तो सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो देखिए तीन आदमी है, एस एम और टी, इसको इस अनुपात में दिया, तो जिस तरह से यहां पर जिस सीक्वेंस में आदमी है उसी सीक्वेंस में रेशियो भी मिलता है। मतलब क्या, एस एम टी तो रेशियो हो जाएगा एस का 2, एम का 3 और टी का 5। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ये रेशियो में दिया हुआ है, बांटना है। कितना वैल्यू है, रुपीस है आपका 2400, इतना रुपीस को बांटना है। तो देखिए जो टोटल रुपीस होगा इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो से। क्यों, क्योंकि ये जो रेशियो है यही रेशियो में बांटना है इस पूरा वैल्यू को। ठीक है, देखिए टोटल वैल्यू कितना है, टोटल रुपीस में है आपका 2400, रेशियो का टोटल कितना है, रेशियो का टोटल है आपका 5 3 8 2 10, तो 10 है टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा आपका 240। ये 240 आया, ये एक रेशियो का वैल्यू आया। क्या आया, एक रेशियो का वैल्यू। आपसे पूछा क्या है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, तो देखिए सबसे अधिक रेशियो किसको मिला है, इसको टी को जो 5 है, तो धन भी इसी को मिलेगा। तो एक रेशियो बराबर 240 आ रहा है, तो 5 रेशियो बराबर क्या होगा, तो 5 × 240 करेंगे, यस, तो 5 × 240 करेंगे तो आ जाएगा 1200। तो 1200 रुपीज इसको मिलेगा, किसको मिलेगा, टी को, जो सबसे अधिक है। अगर सबसे कम पूछता तो इससे मल्टीप्लाई करते, क्योंकि रेशियो में सबसे कम 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते कितना, 240 का, फिर यह आता है आपका 480 रुपीज, ये 480 रुपीज आ जाता है आपका किसका, एस का। अगर एम का पूछता तो यहां पर 3 से 240 को डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो आ जाएगा आपका 720 रुपीज। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप, इसका टाइप नंबर क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी में रुपीज 3500 इस प्रकार वितरित किए गए हैं कि ए अनुपात बी 5:4 तथा बी अनुपात सी 3:2 हो, तो बी को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखिए यहां पर क्या है, एक अमाउंट दिया हुआ है जो 3500 रुपया है, और इसको इसके लिए 2 रेशियो दिया हुआ है, ए बी का और बी सी का। ठीक है, और बी का आपसे पूछा है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी और बी अनुपात सी को एक साथ ए अनुपात बी अनुपात सी आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद ही आप कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो यहां पर है ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है और अनुपात सी का हमने निकालना है, तीनों का एक साथ निकालना है। ठीक है, तो ए अनुपात बी दिया हुआ है 5:4, याद कीजिए इससे पहले वाला टाइप में ये चीज हम लोग पढ़े थे कि कैसे करना है, ए बी सी कैसे निकालना होता है सम्मिलित अनुपात। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो टाइप 6 वाला वीडियो जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ए अनुपात बी हो जाएगा 5:4 और बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है 3:2, तो 3:2 हम लोग बी के नीचे लिखेंगे, नीचे वाला लाइन पर 3:2। ठीक है, और यहां पर देखिए अनुपात, यहां पर जो खाली जगह है इसको हम लोग ऐसे रख लेंगे और यहां पर भी जो खाली बच रहा है इसको भी रख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये बगल वाला वैल्यू यहां पर आ जाता है और ये बगल वाला वैल्यू यहां पर आ जाता है। अब मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 4 से मल्टीप्लाई तो 8, 3 × 4 से हो जाएगा तो 12 और 3 × 5 से हो जाएगा तो 15। ये आपका आ गया ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, मतलब अगर आप साइड में लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब ये जो है ये आपका टोटल दिया हुआ कितना, 3500 रुपये। तो देखिए अनुपात का टोटल कितना आ रहा है, 15 + 12 + 8, तो 15 × 12 = 27, 27 + 8 = 35, तो 35 से हम लोग डिवाइड करेंगे टोटल अमाउंट को, ये अनुपात का टोटल आएगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, इससे आ जाएगा आपका 100। तो एक अनुपात का वैल्यू आ गया आपका 100। ठीक है, अब पूछा क्या है, पूछा बी का, बी को कितना रुपया प्राप्त हुए, तो बी को कितना रेशियो प्राप्त हुआ है, बी को 12 रेशियो प्राप्त हुआ है, एक रेशियो बराबर 100, तो 12 रेशियो बराबर 100 × 12 = 1200, ये आ गया बी का। अगर ए का पूछता तो 15 रेशियो से मल्टीप्लाई करते, अगर सी का पूछता तो 8 रेशियो से मल्टीप्लाई करते। और यहीं पर एक चीज समझ लीजिए, और क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि ए और सी में डिफरेंस,
ए और बी में डिफरेंस। तो देखिए रेशियो में डिफरेंस कितना है, रेशियो में डिफरेंस 15 और 8, 7 का डिफरेंस है, ठीक है। तो रुपीज में डिफरेंस कितना होगा, 7 रेशियो में मतलब 7 × 100 बराबर 700 रुपीज में डिफरेंस निकलता 700। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, आगे जाके हम लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपीज 2000 रुपीज को पी क्यू आर को इस प्रकार बांटिए कि पी को क्यू का दुना, मतलब पी को क्यू का डबल और क्यू को आर का आधा मिले, क्यू को आर का हाफ मिले, ठीक है। तो देखिये यहां पर आपको रेशियो दिया हुआ नहीं है, बट सेंटेंस दे दिया है, आप उसका रेशियो बना सकते हो। कैसे बनाओगे चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, पी अनुपात क्यू, चलो कैपिटल लेटर ही लिखते हैं, ठीक, पी अनुपात क्यू। अब रेशियो कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर क्या पूछा है, पी को क्यू का दोगुना, दुना मतलब दोगुना मतलब तीन, कंपेयर किससे किया है, क्यू से किया है, ठीक है। तो क्यू को लेना है एक और इसका डबल है पी, तो ये हो जाएगा दो। जिससे कंपेयर करता है उसी का वैल्यू पहले बैठना है और फिर उसके बाद उसका रिलेशन निकालना है, ठीक है। यहां पर देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, Q और R, तो Q को R का आधा, तो यहां पर Q और R लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि Q को R का आधा, किसका आधा, R का, तो पहले R को डबल दे दिए, अब इसका आधा देना है किसको, Q को, तो इसको वन दे दे, आधा हो गया। अब पी क्यू आर निकालना है तो यहां पर लिख लेते हैं पी क्यू आर। तो देखिए पी क्यू है 2:1, तो 2:1 ए लाइन छोड़ देंगे, नेक्स्ट लाइन में क्यू आर दिखाएंगे, तो क्यू आर ये हो जाएगा 1:2, ठीक है। यहां पर देखिए जो चीज कॉमन होता है उसको बीच में लेना होता है, तो यहां पर पी क्यू है तो क्यू, क्यू आर है तो क्यू, तो दोनों चीज में कॉमन क्या है, क्यू, और क्यू के इसलिए बीच में बार बार ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, जो खाली जगह है उसको इस तरह से ले लेते हैं, यहां पर खाली जगह है इसको भी ले लेते हैं, अनुपात खींच देते हैं। अब देखिए यहां पर जो बगल में है 1:30 इधर आ जाएगा, यहां पर बगल में 1:30 इधर आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करना है 1:2 तो 2, 1:1 = 1, अब फिर 2:1 = 2, तो 2:1 अनुपात आ रहा है पी क्यू आर का, ठीक। टोटल रुपीज कितना है 2000, यहां पर 2000 दे देते हैं, ठीक है। टोटल रेशियो कितना आ रहा है पी क्यू आर का, 5, तो 5 से डिवाइड दे देते हैं, आ जाएगा आपका 400 जो आ रहा है वो एक रेशियो का वैल्यू आ रहा है, आपसे पूछा क्या है पी क्यू आर का निकालो, पी क्यू आर तीनों का पूछा है ना, यहाँ पर 400 से 2 को मल्टीप्लाई करना है तो 800 आ जाएगा, फिर इसको करना है 400 से, ये आ जाएगा 400 × 1 = 400, इसको करना है 2 वाला रेशियो को 400 से करना है, तो ये भी 800, तो मतलब पी क्यू आर को कितना मिल रहा है, पी को मिल रहा है कितना 800, क्यू को मिल रहा है आपका 400 और आर को मिल रहा है आपका 800 रुपीस, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कोई धनराशि पी क्यू आर में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई, यदि क्यू का भाग 1500 रुपया हो तो पी और आर के भागों में अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब पी क्यू आर में बांट देना है, ठीक है। उसमें से अगर पी को मिला है क्यू को मिला है 1500 रुपया, तो P और R को जो भाग मिलेगा उसके बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा इसका, यहां पर क्या दिया हुआ है, P अनुपात Q अनुपात R, जिसका वैल्यू है 3:5:7, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि P को Q को मिला है 1500, तो देखिए यहां पर देखिए टोटल वैल्यू मिला है कितना 1500 रुपया, किसको, Q को, ठीक है। तो रेशियो में कितना मिला है 5, तो अगर 5 = 1500 रुपया हो तो एक रेशियो बराबर कितना होगा 1500, और 5 इधर आकर डिवाइड होता है, काटते हैं तो 300 आएगा, एक रेशियो बराबर आ रहा है 300, बार बार जो हम लोग निकाल रहे थे, तो मतलब क्या ये 5 का 300 गुना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि पी और आर के भागों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो रेशियो में अंतर कितना है, इसको मिला है 3, इसको मिला है 7, तो रेशियो में अंतर मिल रहा है आपको कितना 4 मिल रहा है, तो रेशियो में अंतर मिल रहा है 4, एक रेशियो बराबर 300, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 4 × 300 = 1200 रुपया, अंतर हो गया 1200 रुपया। अगर आपको पी का वैल्यू बोलता है तो 3 रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं 300 को, आर का वैल्यू बोलता है तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर बोलता है पी और आर को मिलाकर कितना एक साथ में कितना मिला, तो रेशियो 3 और 7 होकर 10 होता, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करते, जिस तरह से वो पूछेगा उसी तरह से आपको आंसर देना है, बेस ये है, इससे आप 4-5 तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है।
ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो रहा है क्या, 2030 रुपये एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों में से क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। ठीक है, मतलब एक अमाउंट है जो है 2030 रुपया और वो तीन कैंडिडेट है ए बी सी, उनमें बांट दिया जा रहा है। ठीक है, बांटने के बाद उसके अमाउंट में, मतलब ए के अमाउंट, बी के अमाउंट और सी के अमाउंट में से अगर ए के अमाउंट में 15 रुपया, बी के अमाउंट में 10 रुपया और सी के अमाउंट में 5 रुपया घटा दे, तो उसके बाद जो उस रुपीस का, मतलब उसके अमाउंट का, तीनों के अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 8:7:5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तीन कैंडिडेट है ए बी और सी, अनुपात है क्या 8:7:5। ठीक, मतलब अब क्या करना है, अब इसको पहले क्या करते हैं, देखिए घटाने के बाद इतना 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटाने के बाद ये रेशियो बन रहा है। ठीक है, तो रेशियो को पहले रुपीज में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो घटा रहे हैं उसको ऐड कर देंगे और फिर तीनों के अमाउंट का अगर ऐड कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा 2030 रुपया के बराबर होगा। ठीक है, मतलब क्या कि 2030 रुपया ही है जो उसमें बांटा जा रहा है और उसके बाद ये अमाउंट घटाने के बाद उसका रेशियो ये बन रहा है। तो हम लोग यहां से शुरू कर रहे हैं, पहले रेशियो उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, फिर जो घटाया उसका ऐड कर देंगे, फिर टोटल को ऐड कर देंगे, टोटल को ऐड करने के बाद जो आएगा वो आपका टोटल रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसको पहले रुपीज में बनाते हैं, तो ये 8 रेशियो में है, तो हमें पता क्या है कि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि जो रेशियो होता है उसको अगर यहाँ पर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 7 को 1 से करेंगे तो 7x हो जाएगा, फिर 5 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि ये जो रुपीज आया इसमें ये घटाया गया था, तो इसको क्या करते हैं ये ऐड कर देते हैं। तो इसके साथ 15 घटाया था, 8x के साथ 15 ऐड कर दिए, 7x के साथ 10 घटाया था, देखिए तो 10 ऐड कर दिए, फिर 5x के साथ 5 घटाया था तो 5 भी ऐड कर दिए, और तीनों को ऐड कर रहे हैं तो जो अमाउंट है ये बन रहा है 2030 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको ऐड करेंगे तो देखिए सारे तो प्लस में है, माइनस में कोई है नहीं, तो ब्रैकेट देते नहीं देते कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम लोग ऐड करना है। देखिए 5x प्लस 7x प्लस 8x, तो 5 7 12 प्लस 8 20x प्लस 15 प्लस 10 25 प्लस 5 इजिकल टू 30 इजिकल टू 2030। अब 30 को उठा के उधर ले जाते हैं तो 2030 माइनस 30 हो जाएगा और इधर आपका बचेगा 20x। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2000 30 माइनस करने के बाद, इधर आ रहा है कितना 20x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2000 बाय 20, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू आपका आ रहा है कितना कटने के बाद 100। ठीक है, तो इसको अगर काटते हैं 20 के टेबल से तो ये 00 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो 100 बचेगा। ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 100। क्लियर, अब हमें इसको क्या करना है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो पहला रुपीस जो बनेगा वो क्या बनेगा 8x, पहला क्या है 8x, तो 8 × 100 करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 800, कितना आएगा 800, लेकिन उसके साथ 15 को हटाए भी थे तो 15 ऐड कर देना है तो 15 और ऐड कर देते हैं तो ये बन गया 815। फिर यहाँ पर 7x, तो 7x का क्या करेंगे, देखिए 7 × 100 तो 700 और प्लस 10 इजिकल टू 710 और फिर 5x है तो 5 × 100। ठीक है, तो 500 और प्लस क्या है, प्लस 5, तो प्लस हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 505, ये आपका रुपीज आ गया। ठीक है, तो ये बांटने बोल रहा है तो ए का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, बी का वैल्यू हो जाएगा ये वाला और सी का वैल्यू हो जाएगा ये वाला, ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर शॉर्ट में करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए चलिए यहाँ पर दिखाते हैं शॉर्ट में कैसे करना है। तो देखिए ए बी सी इसका रेशियो है ये। ठीक, अब क्या करना है, जो रुपीज आपको घटा के बोला है
उसको पहले ही टोटल रुपीज से घटा देंगे। मतलब क्या 2030 है और यहाँ पर देखिए 15 + 10 + 5 30 है, तो 30 को घटा दे रहे हैं तो आ जाएगा क्या 2000। ये जो 2000 रुपया है ये बांटा गया है इस रेशियो में, तो रेशियो का टोटल कितना है, रेशियो का टोटल है आपका 20। देखिए 8, 7, 15 और 5, 20, तो 20 से इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 2000 को, तो आ जाएगा इसको काटने के बाद आएगा 100। ठीक है, तो देखिए 100 से सभी को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये आ जाएगा 500 इसको, फिर इसको 100 से करेंगे तो ये आ जाएगा 700, फिर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 800। अब ये जो आया ये अभी आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि ये घटाने के बाद आया था, तो हम लोगों को जो घटाए थे ना उसको ऐड भी करना होगा, तो इसके साथ 15 घटाए थे 15 ऐड कर देंगे तो 815 इसका, इसके साथ 10 घटाए थे 10 ऐड कर देंगे तो 710, इसके साथ 5 घटाए थे तो 505। ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का वैल्यू है। ठीक है, इतना रुपीज इन लोगों को मिलेगा। आया समझ में आ चुका है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये आर एस और एम के बीच रुपीज 1228 1228 बांटे गए, उनके भागों में से क्रम से 4, 8 और 16 रुपया घटा देने पर उनमें 1:2:3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने रुपए प्राप्त मिले हुए, या मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि क्या आंसर आ रहा है, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो मिलते हैं जल्दी एक नया टाइप लेकर एक नया वीडियो के साथ।